हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ मनप्रीत कौर। और आज पता है हमारे यहाँ दीप गंगा में पता है क्या हो रहा है? आज पेड़ों की कटाई चल रही है यहाँ पे। बहुत दुख हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। पर लोगों ने कंप्लेन करी कि धूप नहीं आ रही है। बस धूप तो 2 दिन से आई नहीं रही है, पर पेड़ भी काट रहे हैं। इनको ही समझ नहीं आ रहा कि भाई बादल हो रखे हैं, पेड़ काट दिए। बताओ वहाँ पे तो दिखाया ना मैंने आपको कि दिखाती हूँ आपको कैसे पेड़ कट रहे हैं वहाँ पे, बुरा लग रहा है। तो मेरा दिमाग चल रहा था बहुत ज्यादा कि भाई मैं क्या करूँ, इतना पेड़ वेड़ काट रहे हैं। मेरे को दिमाग तो चलते रहता कि हाँ, तो मैं देखो क्या करके लाई हूँ। मैं एक बड़ा सा पेड़ का टहनी उठा के ले आई हूँ घर के अंदर। अब मैं इसको कुछ डेकोरेट करने वाली हूँ। आज नहीं करूंगी, अभी सूखेगा ये, उसके बाद करूंगी। जब ये सूख जाएगा ना, पत्ती वत्ती झड़ जाएंगी इसकी, उसके बाद इसको डेकोरेट करूंगी। तो छत पे इसलिए नहीं रख रही हूँ, कहीं कोई ले जाए उठा के। मैं इतनी छाट के मुश्किल से लेके आई हूँ उसे, इतनी मुश्किल से छाटा है मैंने, क्योंकि वहाँ पे कच्ची लकड़ी ज्यादा थी। मैंने कहा लेके भी जाऊँ छाट के, तो मैंने पूछा कौन सी लकड़ी का लेके जाऊँ, तो उन्होंने बोला कि जामुन का चाहिए, जामुन का ले जाओ। तो मैं जामुन का पेड़ के वो लेके आई हूँ टहनी। देखते हैं कैसा क्या कर पाती हूँ इससे। खैर अभी तो इसका आज कोई काम नहीं है, आज बस लेके आ गई हूँ मैं। ये 2 डब्बे अनबॉक्स करने हैं हमें, एक नायका से है और एक स्मिटन से है। तो चलो फिर इनको खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या आया है। तो ये दीपक शुरू हो गया है, उससे रहा नहीं जा रहा है। क्या होगा, क्या होगा इसमें? देखो जरा कितने अच्छे से पैक करके देते हैं, पर कागज बहुत वेस्ट करते। लॉरियल का शैम्पू मंगवाया मैंने इस बार, ये वाला नॉरिश वाला इसका, क्योंकि मुझे आजकल वो भी पसंद आ रहा है फेस वॉश, तो मैंने कहा ये भी ट्राई करती हूँ। और ये मेरा, आई हाय कुछ लीक हो गया। इतनी टेप लगाने के बाद भी इनसे क्या फायदा हुआ, लीकेज हो गई, लीकेज। अबे ढक्कन खुला हुआ। ये रहा फेस वॉश, मेरा फेवरेट सर्दियों का। और सनस्क्रीन तो आपको पता ही कितनी यूज करते हैं हम, तो वो तो आती ही आती है। कुछ भी मंगवाओ तो सनस्क्रीन तो आनी ही आनी है, पर इस बार मैंने एक ही मंगवाई है। ले दीपक, कैसी है तुझे ये? तो अब बारी आती है वो 250 रुपए के सामान की। ये है 2000 का सामान, ये 250 का है। इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा ना। वैसे पैकिंग इनकी भी बहुत अच्छी होती है। देखो ये मुझे लगता है नायका की छोटी बहन है। देखो 250 रुपए में कितना सारा सामान। ये है टोनर, ये मैंने ट्रायल पैक मंगवाया है टोनर का। एलोवेरा जेल, मेरे पॉइंट्स बच रहे थे तो मैंने कहा चलो आजकल सर्दी है, एलोवेरा जेल मंगवा लेते हैं। ये है ओवरनाइट मास्क कोलेजन के लिए, मतलब जो आजकल बढ़ती उम्र के लिए। और ये कॉफी पाउडर है, कोको पाउडर, तो ये मैंने ट्राई करने के लिए मंगवाया है। एक में तो लग ही नहीं रहा कि कुछ है, एक में लग रहा है कि है। तो ये 3 4 आइटम तो देख ली है हमने, और 250 रुपए में 12 आइटम आई है। ये है फेस सीरम इंटेंस हाइड्रेशन के लिए, और ये क्या है, ओली विटामिन सी ब्लास्ट जेल। ये मैं पहले ट्राई करूंगी हाथों पे। क्विक ड्राई सनस्क्रीन स्प्रे, देखो छोटा सा सनस्क्रीन स्प्रे भी आया है। मस्त है। इसकी MRP वैसे 150 रुपए है, पर ये मुझे सस्ते में पड़ गया। और ये ऑलिव ऑयल, मैंने कहा चलो थोड़ा सा कई बार चाहिए होता है मसाज वसाज करने के लिए, कभी बालों में लगाने के लिए, तो थोड़ा सा मंगवा लेती हूँ। अरोमा ब्लश, ये किस लिए, ये क्या मंगवाया था यार मैंने, रिफ्रेशिंग ऑरेंज मसाज जेल। अच्छा ये बस जेल है, खुशबू अच्छी है। और ये नेल पेंट ऑरेंज कलर की, सूखी भी तो नहीं दी इन्होंने मुझे कहीं। आई हाय देख, सच में खराब सी दी इन्होंने तो। तो इसमें मेरा एक पॉइंट वेस्ट हो गया है जो ट्रायल का होता है, क्यों मंगवाया मैंने। और जस्ट हर्ब तो सबने सुना होगा, इसकी अच्छी होती है चीजें। फेशियल मसाज क्रीम, सर्दियों में मैंने कहा क्रीम ज्यादा चाहिए तो वही मंगवा लेती हूँ। और ये लिप स्क्रब, कितनी क्यूट सी डब्बी है यार। तो चलो ये मेरा सामान हो गया, बाकी मैं इनके रिव्यूज बताऊंगी, जो मुझे पसंद आएगा। जो पसंद नहीं आएगा तो समझ जाना कि भाई बताया नहीं। चलो फिर अब क्या करना है, सफाई, जो कूड़ा बिखेरा है मैंने। अब बोलेगा छोटी छोटी चीजें मंगवाती रहती है, संभालना कितना पड़ता है इनको।